आधुनिक तकनीक पर आधारित बाल्को का नया स्मेल्टर और 540 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र क्षेत्र में औद्योगिक उत्कृष्टता के पर्याय हैं, यह कहना है केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों का। पिछले दिनों केंद्रीय विद्यालय की एक टीम ने बाल्को संयंत्र का अवलोकन किया। विशाल चिमनी और पॉट रूम में बनते एल्यूमिनियम धातु को देखकर सभी चमत्कृत थे। संयंत्र अवलोकन कर अभिभूत हुए विद्यार्थियों और शिक्षकों ने बार बार यही कहा कि बाल्को देश की शान है। केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सबसे पहले एल्यूमिना इकाई की कार्यप्रणाली देखी। एल्यूमिना संयंत्र के अधिकारियों ने छात्र छात्राओं और शिक्षकों को बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करने की विधियों से अवगत कराया। पॉट रूम में एल्यूमिना को तरल एल्युमिनियम के रूप में देखकर केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षक खूब रोमांचित हुए। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने बाल्को संयंत्र के नए और पुराने कास्ट हाउस का भी अवलोकन किया। संबंधित अधिकारियों ने उन्हें गर्म एल्युमिनियम धातु से इनगॉट, प्रॉपर्जी, रॉड और सिल्लियों के निर्माण की प्रक्रिया बताई। नए कास्ट हाउस की स्वचालित रोबोट प्रणाली को देखकर सभी अत्यंत प्रभावित हुए। बाल्को के नए विद्युत संयंत्र की चिमनी छात्र छात्राओं और शिक्षकों के आकर्षण का केंद्र रही। संबंधित अधिकारियों ने उन्हें बताया कि नए विद्युत संयंत्र के चिमनी की लंबाई 275 मीटर है, जो एशिया की सबसे ऊंची है। संयंत्र से 540 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित विद्युत संयंत्र पर्यावरण संवेदी है। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बाल्को संयंत्र का अवलोकन कर बताया कि वास्तव में बाल्को देश की शान है। यहाँ की कार्यशैली उच्च कोटि की है, जो इसे विश्वस्तरीय बनाती है। We have come here to visit the plant, new expansion project and also old project. Really, we are greatly thankful to our management, Bal-Ko management, and also associated staffs, Conspirator and others. They have given opportunity to visit here. They really, our students are extremely happy to seeing this such type of new project. And they have visited old project and also new project and new technique, new idea. And they have obtained the how the metal can be extracted, aluminium specially extracted from the aluminous sections. And also they have seen the new technique and they have collected new idea also. Really. But we found, I also know theory, previously I have not visited the Bal-Ko new expansion project, and after seeing this situation, really I am not thinking so whether I am in Bal-Ko or any other way. Really we are proud of it. जैसा कि पहले सुना था, अभी तक कहीं कहीं पढ़ा भी था कि बाल्को देश की शान है, लेकिन यहाँ आके आज वास्तव में ऐसा लगा कि बाल्को देश की शान है। बहुत अच्छा, फास्ट टेक्नोलॉजी और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब देखकर मन बहुत खुश हो गया। आई हैड बीन ऑलवेज ड्रीमिंग टू सी दिस चिमनी, एंड टुडे माय ड्रीम केम ट्रू व्हेन आई सी दिस चिमनी। आई हैव सीन अ स्मेल्टर टुडे देन एन एल्युमिनियम ब्रांच। आई हैव सीन हाउ द एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर एंड देन हाउ इलेक्ट्रोलिसिस इज डन is done from the alumina, and I really got a huge amount of knowledge from this. I'm really proud that
आई एम स्टूडेंट ऑफ के बालको। थैंक यू। हमें आज यहाँ बालको प्लांट विजिट करने का मौका मिला जिसने हमें बहुत इंजॉय किया और हमें आज पता चला कि साइंस टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ चुका है और यहाँ हमने वर्कर्स की मेहनत देखी, लोग कितना मेहनत करके हमारे लिए एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम बालको को इस देश का बहुत गौरव बना रहे हैं। आई हैव गॉट मच नॉलेज फ्रॉम दिस न्यू टेक्नोलॉजी एंड दिस आई फर्स्ट टाइम विजिटेड दिस प्रोजेक्ट, रियली इट गेव मी अ लॉट ऑफ प्लेजर। थैंक्स। आई मस्ट से इट वॉज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ माई क्लासमेट्स एज वेल एज माई सेल्फ एंड वी हैव रियली लर्न अ लॉट आफ्टर कमिंग टू दिस एल्युमिनियम प्लांट। आई रियली एंजॉयड द प्लेस वेयर आई सॉ मोल्डन एल्युमिनियम जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, दो इट वॉज अ बिट ब्लेजिंग हॉट, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड इट वॉज अ वेरी गुड नॉलेज फॉर अस अबाउट दिस एल्युमिनियम प्लांट। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ क्लास 12th एंड 10th which has come to see how Balco and how the Balconian works, and it was quite educational and we saw many things including pots and melting of aluminium and it taking shape and also the chimney behind us. It's very surprising that India has been developed such a way that we are producing aluminium in less cost and more production. Thank you.